आज की बिजी लाइफस्टाइल और बढ़ती बीमारियों के बीच मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सदियों से मिलेट्स ही भारत का मुख्य आहार रहा है और गेहूं खाने का प्रचलन बहुत बाद में हुआ है। लोगों के मिलेट्स से जुड़े कई प्रश्न होते हैं, जैसे मिलेट्स कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें खाने के स्वास्थ्य लाभ क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे 5 तरह के मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभ और इन्हें खाने का सही मौसम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग हेल्दी। मैं हूँ ऋचा शर्मा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बाजरा या पर्ल मिलेट खाने के क्या लाभ हैं? बाजरा, जिसे अंग्रेजी में पर्ल मिलेट कहा जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये मिलेट फाइबर, प्रोटीन और आवश्यक विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत है। बाजरा खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और कब्ज की समस्या दूर होती है। इसमें आयरन की मात्रा भी अधिक होती है, जो रक्त में हेमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। बाजरा ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है जो ग्लूटेन एलर्जी से पीड़ित है। बाजरा खाने से मधुमेह के मरीजों को भी फायदा होता है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। इसके अलावा बाजरा हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में भी सहायक होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं। बाजरे को अधिकतर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है, परंतु गर्मियों में आप इसकी रोटी बनाकर छाछ में डुबोकर ऊपर से हरी मिर्च, छोला, जीरा और अन्य मसाले डालकर खा सकते हैं। यह न केवल बहुत स्वादिष्ट होता है बल्कि पौष्टिक भी होता है। नंबर 2, ज्वार या सोरघम के क्या स्वास्थ्य लाभ हैं? ज्वार, जिसे अंग्रेजी में सोरघम कहा जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये मिलेट प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ज्वार का नियमित सेवन करने से पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। इसमें फेनोलिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं और कैंसर के जोखिम को कम करते हैं। ज्वार में मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होती है। ज्वार में विटामिन B1, आयरन और फाइबर होता है, ये वजन कम करने में सहायता करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल भी दूर रखता है। ये मिलेट ग्लूटेन फ्री होता है, जिससे ये ग्लूटेन एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए उत्तम विकल्प है। ज्वार खाने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और अन्य महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित रखते हैं। ज्वार की रोटी को गर्मियों और सर्दियों दोनों में खाया जा सकता है। नंबर 3, रागी या फिंगर मिलेट के क्या लाभ हैं? रागी, जिसे अंग्रेजी में फिंगर मिलेट कहा जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये मिलेट कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है। रागी का नियमित सेवन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी से संबंधित बीमारियों का जोखिम कम होता है। इसमें ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड होता है, जो नींद को सुधारने में मदद करता है और तनाव को कम करता है। रागी में फाइबर की उच्च मात्रा होती है, जिससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और वजन नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। रागी के सेवन से हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो हृदय को स्वस्थ रखते हैं। रागी वैसे तो सर्दियों में खाया जाता है, परंतु इसकी ठंडी तासीर के कारण आप इसका उपयोग गर्मियों में भी कर सकते हैं। नंबर 4, कोदो मिलेट खाने के क्या लाभ हैं? कोदो, जिसे अंग्रेजी में कोदो मिलेट कहा जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये मिलेट भी प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। कोदो मिलेट का नियमित सेवन करने से पाचन तंत्र में सुधार होता है और कब्ज की समस्याओं से राहत मिलती है। इसमें फाइबर की उच्च मात्रा होती है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में सहायता करती है, इसलिए ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कोदो मिलेट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और कैंसर के जोखिम को कम करते हैं। इसमें
मौजूद आयरन और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। कोदो मिलेट हृदय स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है क्योंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित रखते हैं और हृदय रोगों के जोखिम को कम करते हैं। गर्मियों के लिए ये मिलेट शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और गर्म महीनों के दौरान आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने में सहायता करता है। नंबर 5, कुट्टू या बकव्हीट मिलेट के क्या स्वास्थ्य लाभ हैं? कुट्टू, जिसे अंग्रेजी में बकव्हीट कहा जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये मिलेट के प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है। कुट्टू का सेवन करने से पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। इसमें फाइबर की उच्च मात्रा होती है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में सहायता करती है, इसलिए ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। कुट्टू में रूटीन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। ये मिलेट वजन घटाने में सहायता करता है क्योंकि इसमें फाइबर की उच्च मात्रा होती है जिससे पेट भरा रहता है और अधिक खाने की इच्छा नहीं होती। कुट्टू का सेवन करने से हड्डियों को मजबूती मिलती है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। कुट्टू की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे कभी कभी ही खाना चाहिए। इसकी खिचड़ी बनाकर आप इसे चावल की जगह दाल से खा सकते हैं। इसके अलावा एकादशी और अन्य व्रतों में इसके कई व्यंजन जैसे पकौड़ी और चीला इत्यादि बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो देखकर आपको मिलेट्स को अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की प्रेरणा मिलेगी और आप गेहूँ और चावल को कम उपयोग में लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक कॉमेंट्स में भी ज़रूर बताएँ। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे हेल्दी, stay happy.